तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मेरे हाथ में एक ओप्पो कंपनी का फोन है और इस फोन में हमने गलती से पासवर्ड लॉक लगाकर भूल गए हैं। यदि आपके साथ कुछ भी ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि आप अपने फोन में लॉक लगाकर पिन पैटर्न पासवर्ड भूल गए हो और आप कोशिश कर रहे हो अपने फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को हटाने की, बट आपका फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा, तो चलिए आज की इस वीडियो में मात्र 2 मिनट में आपका ओप्पो का कोई भी मॉडल को अनलॉक करना आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा फंक्शन मैं बताने वाला हूं जिससे आपका फोन अनलॉक होगा, साथ में आपका पैसा भी बचेगा और डाटा भी रिकवर हो जाएगा, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, चलिए इस वीडियो में आपको बताते। तो फ्रेंड, क्या कितना बंदे ने लॉक लगाने के बाद रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन आप 30 सेकेंड जब लग जाने के बाद आपका फोन कुछ इस तरह से इंटरफेस में आ जाएगा, आपको ना पिन लॉक दिखेगा, ना पैटर्न, ना पासवर्ड। तो ये गलती हमने भी बहुत बार की है, लेकिन ये गलती बार बार आप कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका 72 घंटे का भी लॉक लग जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, हमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, तो चलिए वीडियो को मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे मजेदार अपडेट एंड ट्रिक यूट्यूब पर मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा। तो फ्रेंड, हमें यहाँ पे सर्विस सेंटर का मैटर यूज करना है, ठीक है। तो अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फोन का सिम कार्ड को हटा लेना होगा और एक किसी का भी वाईफाई आप कनेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने कर रखा है, देख रहे हो। इसके बाद आप अपने फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अब हटाना चाहते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लास्ट एक ही ऑप्शन है जो कि इमरजेंसी कॉल का। इमरजेंसी कॉल पे हम आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपने फोन में FRP लॉक को तोड़ना है, यानी कि FRP लॉक को कैसे तोड़ते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे एक FRP कोड आप यूज कीजिएगा, जिससे आपका FRP कोड पहले हट जाएगा। तो इस कोड को आप बारीकी से अपने फोन में कॉपी कर ले, जिससे आपका FRP लॉक हट जाए। तो इस कोड को आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि एक भी कोड आपसे मिस हो गया या छूट जाएगा तो आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं हो पाएगा और आप बाद में फिर से परेशान होने लगोगे। तो आराम से इस कोड को कॉपी कर लेने के बाद इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो हम कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपके स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे ओके पे प्रेस करते ही आपका ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो बस हमें ऐसा ही 3 टाइम और करना है, ठीक है, 1, 2, 3 टाइम इसे कॉल कर देने के बाद इस कोड को एंड देन हम हटा लेंगे। जैसा ही ये कोड हमारा हटेगा, वैसे आपको फिर एक डाटा रिकवर का कोड यूज करना है, जो कि इस कोड के माध्यम से आपके फोन में जो भी लॉक होगा वो, सॉरी लॉक नहीं, डाटा होगा, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, अनदर एप्लीकेशन, कुछ भी, ये सारा का सारा हट जाएगा। तो इस कोड को फिर से आप कॉपी कीजिएगा, फिर कॉपी करने के बाद यहाँ पे अपनी 9 टाइम कॉल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 टाइम इसे कॉल कर देने के बाद इस कोड को हटा लेंगे। फिर हमें यहाँ पे हार्ड रजिस्टर्ड मोड, ठीक है, तो हमें यहाँ पे हार्ड रजिस्टर्ड कोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे *#899# ये कोड को डायल करते ही आप एक हार्ड रजिस्टर्ड का फाइल ओपन करोगे, जो कि क्या होगा, इंजीनियर मोड का फाइल होगा और आपको यहाँ पे बहुत तरह का ऑप्शन होगा, बट हमें वही ऑप्शन यूज करना है जिससे हमारा हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो हमें यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर पे एक मैनुअल टेस्ट है, तो मैनुअल टेस्ट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद हमें 2nd नंबर डिवाइस पे आकर जायरोस्कोप को ओपन करेंगे, ग्राफ को ओपन करेंगे, तो आप देखिएगा ये ग्राफ का जो लाइन, ये आपका फोन अनलॉक हो रहा है अब, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैक्सिमम आपका ये जो लाइन जब चालू हो जाए तो मैक्सिमम आपको मात्र 4 से 5 सेकंड के लिए हमें यहाँ वेट करना है। इसके बाद इसे बैक करके डाटा डिस्प्ले को ओपन करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा अब डाटा जो है वो रिकवर हो रहा है। डाटा रिकवर होने के बाद फ्रेंड इसे हम बैक करेंगे, जब तक हमारा डाटा रिकवर नहीं होता तब तक हमें इसे छोड़ देंगे, ठीक है। जब हमारा डाटा रिकवर हो जाए तब हमें इसे हटा लेना, यानी कि बैक आ जाना है। बैक करने के बाद फिर हमारा यहाँ पे जायरोस्कोप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, टेस्टिंग होगा, पास हो जाएगा, बैक करेंगे, जायरोस्कोप एनेबल पे क्लिक करके इसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते ही सेंटेंस चेंज हो जाएगा, होम बटन को प्रेस कर देंगे, हमारा ओप्पो का हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा घर बैठे, बिना डाटा डिलीट किए और बिना किसी कंप्यूटर की मदद से। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद
पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।